नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी एक बार फिर बड़े पैमाने पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बता दें आपको कि उन्होंने साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर जिस तरह से बिहार की राजनीति में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने रिलेट कर दिया है कि साल 1990 में जिस तरीके से बिहार में हालात थे, जंगल राज और जातीय उन्माद का बोलबाला था, कुछ ऐसे ही हालात एक बार फिर बन रहे हैं, क्योंकि जातीय उन्माद और नंगा नृत्य जो है वो अब बिहार में एक बार फिर से होता नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह छपरा कांड और पटना सिटी में हाल फिलहाल जो घटनाएं हुई है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका ये बयान सुने, उसके बाद पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी के एंट्री के बाद यह स्पष्ट हो गया कि लालू यादव जो 90 के दशक में जातिवाद उन्माद फैलाते थे वो पूरी स्थिति फिर से बनने लगी। आज जिस तरह मुबारकपुर छपरा की घटना को आपने देखा, अब फतुहा और पटना सिटी के इलाके में आप देख रहे हैं जातीय उन्माद फैल रहा, अब नंगा नृत्य बिहार में हो रहा। इसलिए अब नीतीश कुमार से मैं नैतिक तौर पर इस्तीफे की मांग करता हूं कि आपको अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। तो सुना आपने किस तरह नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बिहार के मौजूदा हालात 90 के दशक जैसे होते जा रहे हैं, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार में हालात जो है वो बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार से की जो सत्ता है वो संभल नहीं पा रही है। ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात इन लोगों से बेकाबू होती नजर आ रही है और ऐसे में जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही है, वो छपरा कांड हो या फिर सिटी कांड हो, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और जल्द से जल्द अपने पद को छोड़ देने का उन्होंने बयान दे डाला है। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए मैं दी इजाजत, नमस्कार।